प्लीज थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करें वी कैन सी गो थायराइड 15 साल से ज्यादा हो गया है थायराइड होकर बस इसी के साथ जी रही हूँ एलोपैथी की गोलियां चलते रहती हैं, प्राणायाम करती हूं पतंजलि का भी मेडिसिंस लेती हूं बचपन से ओबीस हूं हार्मोनल इंबैलेंस है पूरी जिंदगी लेथार्जी में गई है पूरी जिंदगी चिड़चिड़ेपन में गई है इससे ज्यादा और क्या कहूं बस वो जो थर्टी मिनट्स का जो था आपने मेरी कहानी सुनाई <laughs> अच्छा देखिए थायराइड को हम T3 T4 TSH के अलावा अगर किसी तरीके से डिफाइन कर सकें जिसका कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तभी थायराइड कम होगा पृथ्वी पे वरना तो ये बढ़ेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो दवाई मतलब टेटाहाइड्रोथमिन जो थायरोक्सिन आप खाते हैं थारोनॉन खाते हैं उससे किसी की ठीक नहीं हुई है आज तक और हो ही नहीं सकती इट इज नॉट पॉसिबल अभी प्रॉब्लम क्या है आपके शरीर के अंदर मैं बल्कि ये कहूँगा पूरी जिंदगी आपकी जो आलस में गई है मगर साथ साथ में बीच बीच में हाइपर एक्टिविटी के भी एपिसोड्स आ जाते हैं थोड़े एनजाइटी के भी <laughs> एपिसोड्स आ जाते हैं और वो उसका कारण बहुत आसान है समझना समझिए देखिए हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से वो एक अलग ही कहानी है मगर शरीर क्या चाहता है आपका शरीर जो चाहता है ना बहुत प्रैक्टिकल हो है शरीर जिंदा रहना चाहता है इंसान जिंदा रहना चाहता है कि नहीं पता नहीं डिबेट कर सकते हैं उसके ऊपर मगर शरीर जिंदा रहना चाहता है इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता हो ही नहीं सकता तो अगर आपके शरीर में कोई चीज बहेगी नहीं फैलेगी नहीं आपकी उदान शक्ति कमजोर है उदान शक्ति का मतलब क्या होता है थोड़ा हम देखते हैं उदान वो वर्ड है जिससे उड़ान उड़ना ये शब्द निकल के आए यानी कि किसी को अगर जमीन से उठना है तो उसकी उठने की जो शक्ति है ऊपर उठने की शक्ति जो ग्रेविटी को डिफाई करती है उसके उल्ट उल्टा जाती है वो शक्ति ज्यादा होनी चाहिए ऐसा देखिए आपके एक बच्चा होता है ना जो जिसने अभी अभी चलना सीखा है उसको अगर आप खड़े रह, कर दोगे तो वो बेचारा खड़ा भी नहीं रहता वो कूदता क्योंकि उसकी उदान शक्ति ज्यादा है और उदान शक्ति अगर ज्यादा होती है तो उठना वो शरीर की ही बात नहीं है मन के अंदर भी उठाव अगर रहेगा तो बबलीनेस रहेगा नहीं तो लोड रहेगा नहीं तो नीचे का पुल ज्यादा होता ज्यादा पुल होगा तो हर चीज भारी लगेगी हर चीज लोड लगेगी कोई भी चीज करने में दिक्कत आएगी दिक्कत आएगी तो चिड़चिड़ापन तो आएगा ही आएगा लेकिन शरीर क्या करेगा उस टाइम पे उस टाइम पे शरीर एंजाइटी लेके आएगा है ना तो अगर शरीर में कोई चीज ठीक से उठाव नहीं है उसका तो उसको उठाव लाने के लिए वो कुछ ऐसे हार्मोन जैसे एड्रीनलिन रिलीज करेगा एड्रिनल फटीग लेके आएगा एंजाइटी जैसी सिचुएशन लेके आएगा ताकि शरीर में हड़कंप मच जाए क्योंकि वो निडाल पड़ा हुआ है तो वो क्यों कर रहा है क्योंकि वो इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोग जिनकी डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है उनको बीच में एंजाइटी का अटैक भी आता है क्योंकि शरीर चाह रहा है कि भैया उठो चलो उठो जियो मगर सिचुएशन ऐसी है कि उठना मुश्किल है उदान शक्ति कमजोर है और कोई भी उसको बढ़ाने के लिए काम कर ही नहीं रहा कोई भी काम नहीं कर रहा कमाल की बात है कि जिसे हम ट्रीटमेंट कहना चाहिए वो ट्रीटमेंट है ही नहीं और जिसको टॉर्चर करना चाहिए उसको ट्रीटमेंट का टैग लगा हुआ है साइंस का टैग लगा हुआ है तो रिजल्ट क्या आने वाला है रिजल्ट यही आने वाला है जरा पीछे जाके देखो आपकी दादी नानी को थायराइड था क्या है? और इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि आगे बच्चों को होगा ये गारंटी दे सकते हैं ये हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इससे नुकसान किसका है किसी और का तो नुकसान नहीं है आजकल तो आराम से बोल देते हैं डॉक्टर जेनेटिक है जी जेनेटिक मगर तीन जेनरेशन पहले तो था ही नहीं तो जेनेटिक अभी कैसे हो गया दो ही ऑप्शन बचते हैं ना या तो आप एलियन हो किसी दूसरे ग्रह से आए हो या आप म्यूटेंट बन गए हो एलोपैथी ने ह्यूमैनिटी को म्यूटेंट बना दिया है अगर आप समझ सके तो इसके गंभीरता को समझने की कोशिश करो आप म्यूटेंट बन गए हो ऐसा म्यूटेंट नहीं जो कि हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं ऐसा म्यूटेंट जो अपने शरीर में के कामकाज नहीं उसके हो पा रहे ठीक से कैंसर बारह परसेंट के रेट से बढ़ रहा है डायबिटीज ब्लड प्रेशर डायबिटीज एपिडेमिक होता जा रहा है ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अभी है ही बिना किसी कारण भी हार्ट अटैक आ रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़े ही जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं अस्सी परसेंट डिजीज क्रॉनिक होती है और वो सारे बढ़े जा रहे कोई इलाज नहीं सौ साल में एक इंसान ठीक नहीं हुआ एक था ठीक नहीं हुआ पिछले पचास साल में दवाई खा के, और हर इंसान को दवाई खाने के बाद में कॉम्प्लिकेशन आने ही आने गारंटी है स्टैंप पेपर पे लिख लो जब शरीर ज्यादा ही निाल रहेगा उसके अंदर उसका प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं रहेगा तभी देखो किसी चीज को उठाना चाहते हो बलून में हवा भरनी पड़ती है ना उसका प्रेशर बनाते हो तो उठता है वो। जब प्रेशर बनाते हैं तो उठता है आपके शरीर का प्रेशर आर्किटेक्चर अगर ठीक नहीं है वो प्रेशर बनाएंगे तभी वो शरीर की उदाहरण शक्ति बढ़ेगी इसको वात कहते हैं आयुर्वेद में प्रेशर इको को वात कहते हैं वात से ही प्रेशर से टेम्परेचर बनता है थर्मल इकोसिस्टम बनता है उसे पित्त कहते हैं ये दोनों मिलकर मटीरियल मैनेजमेंट करते हैं तो थायरॉइड के केस में क्या है कोई चीज फैल ही नहीं रही प्रेशर इको को सिस्टम खराब हो गया तो मटीरियल मैनेजमेंट तो होगा ही नहीं वेट कम करके दिखा दो। मटेरियल मैनेजमेंट नहीं होगा आपके शरीर में प्रॉपरली आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो टॉर्चर हो जाएगा आपके शरीर पर ज्यादा वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको ही मालूम है ना कि ये डाइटिंग और ये एक्सरसाइज तो हेल मतलब नरक है आप लोगों के लिए तो वात पित्त को करेक्ट करने के लिए आपको प्रेशर सिर्फ शुरुआत कहां से होती है वात वात राजा है आयुर्वेद का और आयुर्वेद के टेक्स से 92 परसेंट आयुर्वेद गायब हो गया खत्म हो गया उसको रिवाइव करने की जरूरत है तभी ह्यूमन एम्पावरमेंट होगा नहीं तो नहीं हो सकता था ठीक होने ही नहीं वाला डायबिटीज ठीक होने ही नहीं वाले कुछ भी कर लो बच्चों बच्चों को ए और सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे आ गई हैं तो प्रेशर से ही उदान शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं इसको और भी तरीके से फॉर्मूले भी इसके डेवलप कर सकते हैं जो कि हम देते हैं फॉर्मूले लाखों तरीके के गुम्बक होते हैं उदान शक्ति बढ़ाने के लिए आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप एक्जेल करके होल्ड करके उसके बाद लंबा इनहेल करते हो तो फिर आपकी उदान शक्ति बढ़ती है जो कि हम अपने प्रैक्टिस में इस तरीके से उसको डिजाइन करके डालते ही हैं। पहला दिन कुंभक करेंगे ना आपके शरीर में ऐसा एक्टिविटी होगी ना जैसा शायद बचपन में भी कभी नहीं हुई हो सो यू फील मोर एनर्जी यू फील एक्टिविटी फील हैप्पी फ्रॉम विद इन शरीर में हल्का पना या एक्टिविटी आएगी धीरे धीरे करके जैसे ही वो सेटल होगा आपको खुशी अंदर से महसूस होगी हार्मोन लेवल बैलेंस होंगे जितने प्रोटीन का इकोसिस्टम एक्चुअली थायरॅड में खराब हो जाता है वो सही होगा शरीर का रिदम जैसे ही बनेगा आपके मन के अंदर हल्कापन आएगा, खुशी आएगी बबली और तब जाके आपको लगेगा जीना तो अब शुरू किया तो दवाई खाके जीना कोई जीना नहीं है सब एडिक्ट हो सभी म्यूटेंट हो आंखें खोलिए और इस, इस नरक से निकलिए और आपका शरीर ही वो टूल है जो आपको मदद करेगा इससे निकलने में इसको एम्पावर करो इसका वातपित कफ जो आयाम है उसको ठीक कीजिए और देखेंगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अनिल जी यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड इश्यूज अनिल ठाकुर अप हाँ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अपने वो बताएं जरा. में नमस्ते स्वामी जी नमस्ते नमस्ते सर जैसे सुचि जी ने बोला अभी पूरी हमारी कहानी इस सीजन <laughs> में सुनी हमने 25 साल से जो जी रहे थे <laughs> मुझे भी 25 साल से ऊपर से थे पचास एम जी से स्टार्ट किया था वन सेवेंटी टू एम जी पे पहुंच गया था और वेट भी नाइन्टी सिक्स के जी हो गया था फिर नाइन्टी सिक्स के जी होने के बाद थोड़ा मैं सीरियस हो गया कि भाई ये अभी इसको तो कुछ करना पड़ेगा फिर बहुत सारी एक्टिविटी बहुत सारे आयुर्वेद किए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा नहीं। फिर हर्बल लाइफ अभी लास्ट एक साल पहले हर्बल लाइफ किया था उससे थोड़ा मेरा वजन कम हुआ लेकिन थायराइड का पोजीशन ऐसा ही है अच्छा। तो कोलेस्ट्रॉल भी है हाँ। लेग पेन है, तो, आ, है? अच्छा आ, समान वायु दोष आपके शरीर में क्या है समान वायु दोष समान वायु दोष और दक्षिण बालोकाम इसका मतलब क्या हुआ मैं एक एक करके आपको सारी चीजें कनेक्ट करके दिखाता हूँ पहली बात के अच्छा पहले आपने जो बताया कि हमने बाहर से कुछ आपने कुछ लिया उससे कुछ कंट्रोल में आया आ, मैं तो आपको ये कहूँगा खाना बंद कर दीजिए तो <laughs> कंट्रोल में आ जाएगा मगर आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने और दूसरी बात ये भोजन से आपके शरीर की शक्ति जो है वो नहीं बढ़ती एग्जाम्पल प्रूफ पचास साल का इंसान पचास साल तक भोजन किया कमजोर हो गया या फिर ताकतवर हो गया वही इंसान साठ साल सत्तर साल अस्सी साल तक भोजन करेगा तो वो सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए जैसा हमारा आइडिया है कि भोजन से हम चीजें कंट्रोल कर लेते हैं या हमारे शरीर की शक्ति एनर्जी बढ़ जाती है तो अस्सी साल का इंसान अस्सी साल तक भोजन किया तो उसको तो सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए मगर वो बेचारा एक टांग कवर में लटका के बैठे तो एनर्जी तो कम हो रही है आपकी भोजन खाने से हाँ आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं डाइट को रेगुलेट करके अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करूं तो वो बड़ा टॉर्चरस तरीका एक तो दूसरा आपके शरीर आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली उससे दूसरे आपकी शरीर की शक्ति तो उससे नहीं बढ़ने वाली तो आपके शरीर की कैपेबिलिटी बढ़े यही इलाज कहलाता है बाकी सब मैनेजमेंट है यानी कि बाहर से आप कुछ भी लेते हैं वो मैनेजमेंट है चाहे वो फूड को करेक्ट करें चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई लें चाहे वो एलोपैथिक दवाई लें एलोपैथिक दवाई तो टॉर्चर है लेकिन बाहर से आप जो भी लेते हैं वो मैनेजमेंट कहलाया जा सकता है ट्रीटमेंट तो नहीं कहलाया जा सकता अब दूसरी बात दक्षिण बल आपका कमजोर है समान वायु दोष यानी कि दोबारा से मैं कहूंगा कि दक्षिण बल क्या होता है दक्षिण बल वो होता है जो आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ को मैनेज करके रखता है दक्षिण बल वो होता है फॉर्मूले के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो जितनी लंबी आप सांस ले सकते हैं उससे चार गुना ज्यादा अगर आप रोक सकते हैं बिना तकलीफ के तो आपका दक्षिण बल ठीक है ठीक है तो हार्ट डिजीज इस दुनिया में बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और लाइफस्टाइल की कहानी और उसके ऊपर दोषारोपण करके आप क्या कर लोगे नंबर तो आप घटा ही नहीं पा रहे और लाइफस्टाइल ठीक कर दो ये कर दो किसी को ऐसे ऐसे हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं कि ना तो उसको डायबिटीज है ना ब्लड प्रेशर का इश्यू है ना थायराइड है यंग इंसान और अचानक से हार्ट अटैक आ गया तो उसकी लाइफ तो ठीक ही थी तो ऑर्गन स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे ह्यूमैनिटी का कमजोर हो रहा है मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं कम से कम अगर जिन लोगों को यहां पर अपने दादा दादी ना, नाना नानी याद हैं जो भी यहां पे है उनको दादा दादी नाना नानी याद है उनमें और आपने क्या बेसिक एक फर्क बता दीजिए बस एक फर्क आप ये मत बोलिए कि उस समय भोजन ऐसा था उनको आपसे कमी खाने को मिलता था आप आज पचास तरीके की चीजें अवेलेबल है आपके पास में दस तरीके के नट्स खाते हो पंद्रह रंग के फ्रूट्स खाते हो ठंड में भी ऑरेंज ठंड में भी आपको आम का जूस अवेलेबल है और गर्मी में भी संतरे का जूस अवेलेबल है आपके दादा दादी को तो नहीं था इतना तो आप जानते ही होंगे उनकी लाइफ आपसे तो कठिन थी आपसे कठिन उनकी लाइफ थी इतना सब मानने को तैयार होंगे ठीक है ना तो वो क्या है कि उनको वो प्रॉब्लम नहीं थी जो आपको ऐसी क्या चीज है उनके अंदर तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी अगर हम देखें फंक्शनल टर्म्स uh, में अगर हम देखें तो उनकी जोर लगाने की क्षमता आपसे ज्यादा थी एक वर्ड का लाइफ चेंज वो सर पे लोड उठा के बहुत दूर चले जाते थे आप शायद हो नहीं जा सकते वो शरीर से जितनी मेहनत कर लेते थे और जिस टफ सिचुएशन में एसी तो नहीं था शायद उनके पास में ज्यादातर लोगों के पास में आज से तीस साल पहले चालीस साल पहले कहा कौन सा उनको गर्मी भी झेलनी पड़ती थी ठंड भी झेलनी पड़ती थी या उसका वेदर उस इलाके का वेदर और उसकी हार्डशिप झेलनी पड़ती थी खेतों में अगर काम करते थे तो उसकी हार्डशिप अपनी अलग होती है मजदूरी की हार्डशिप अलग होती है पर उनके मुंह में तो गीत थे गीत तो उनके आपने तो गीत गाना ही बंद कर दिया इतने कठिन समय में भी वो सिर पे खेतों से धान या कोई फसल काटी और सिर पे रख के और अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो बीच में गीत गा रहे हैं आप तो लिफ्ट में जा रहे हैं फिर भी गीत नहीं गा रहे क्यों भाई आज कहते हैं जी ये सात घंटा काम नहीं करेंगे आठ घंटा काम नहीं करेंगे अब तो हफ्ते में चार ही घंटे काम करवाओ यार काम ही मत करो ना बच्चों का कोर्स ही कम कर दो तो पढ़ाई क्यों करवानी है उनके अंदर स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई क्यों करवानी बच्चों घर में ही रखो उनको तो आपके शरीर की टॉलरेंस इसकी झेलने की क्षमता इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा क्यों नहीं रहे उनकी जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी आपकी कम सिंपल सी बात समझो जोर जोर कैसे लगाते हैं सांस रोके बगैर लगा सकते हैं ट्राई करके देखिए यानी सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी आपकी कम एक सिंगल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजॉर्डर में बता दिया मैंने प्रैक्टिकल अब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उसको तो ठीक कर सकते हर बंदे की लाइफ जो कुंभक का प्रोग्राम ज्वाइन करेगा उसकी लाइफ एम्पावर होगी और वो अपनी लाइफ में आज जितना कैपेबिलिटी है उससे कम से कम बीस से पचास गुना ज्यादा कैपेबिलिटी पे आएगा मेरा भी वेट एक सौ छह किलो हुआ करता था किसी टाइम एंड एवरीथिंग दैट इज बिंग डिलीवर्ड हेयर यहां पे जो है ना किताब से नहीं आ रहा क्योंकि इस कुंभक के ऊपर जो चिकित्सा के ऊपर तो किताब ही नहीं है कोई आयुर्वेद तो दाय कर दिया आयुर्वेद तो एलोपैथी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको मालूम है जो प्रोटोकॉल वो फॉलो करने की स्टैंडर्डाइजेशन करने की सबसे क्रिमिनल चीज तो स्टैंडर्डाइजेशन है ना हर एक का शरीर अलग होता है हर एक की प्रकृति अलग होती है हर एक की इच्छा अलग होती है इवन टेस्ट अलग होता है कुछ अच्छी चीजें लगती है आपको दूसरे को नहीं लगती वो अच्छी मगर स्टैंडर्डाइजेशन खाना है तो पांच मिलीग्राम पैरासिटामोल तो मिलता है जी अच्छा मुझे एक बात बताइए अगर आपके शरीर के ग्रोथ फैक्टर के साथ में हम छेड़छानी कर दें शरीर में ग्रोथ होता है कि नहीं होता नए टिश्यूज बनते हैं ना पुराने टिश्यूज निकलते हैं तो उसके साथ में अगर हम छेड़छाड़ कर दे तो ग्रोथ फैक्टर अगर बिगाड़ दें तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? जहां पर टिश्यूज अजीबोगरीब टिश्यूज बन रहे हैं इसको कैंसर कहते हैं यही अगर आपके ऑर्गन में टिश्यूज ठीक से नहीं बने तो ऑर्गन फंक्शन खराब हो जाएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा आपको पैरासिटामोल काम कैसे करता है कोई भी दर्द की दवाई एसीक्लोफिनिक डाइक्लोफेनिक नीमोसुलाइड आइबुप्रोफेन किसी भी तरीके का स्ट्रोइड कुछ तो नाम सुना ही होगा आपने पैरासिटामोल तो सुना ही होगा ये सब काम कैसे करते हैं आपके शरीर के ग्रोथ फैक्टर में छेड़छाड़ करके सबके घर में पैरासिटोमोल और दर्द की दवाई है हाथ उठाना सबके घर में है ना सभी कैंसर के सब्जेक्ट हो ना ग्रोथ फैक्टर से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो कैंसर नहीं होगा और कैंसर 12 परसेंट के रेट से बढ़ रहा है साल दर साल आप सोचो आप किन मूर्खों के चक्कर में फंस गए सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन हेल्थ कोलोनाइजेशन है एलोपैथी ने आपको म्यूटेंट बना दिया ड्रग एडिक्ट बना दिया आप उसके ऊपर खुश होते हैं जब तक हम प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं डिफाइन करेंगे उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला नहीं निकलने वाला और वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपके पास में है केमिकल सोल्यूशन सौ साल में कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं ला सका कि ह्यूमन हेल्थ को हमने सुधारा या डिजीज को हमने क्योर किया सौ साल में कोई एविडेंस नहीं ला है हमारे पास में कि केमिकल दवाइयों से क्रॉनिक डिजीज कोई एक इंसान भी ठीक हुआ एक इंसान भी ठीक नहीं हुआ अस्सी परसेंट बीमारी क्रॉनिक होती है केवल बीस परसेंट इंफेक्शन होता इन्फेक्शन फिर भी आप एंटीबायोटिक से हैंडल कर सकते हो मगर क्रॉनिक डिजीज तो आप नहीं हैंडल कर सकते आपकी हालत तो खराब से खराब होती जाएगी तो आप अपनी समझ खो लिए आप अपनी लाइफ को आपको एम्पावरमेंट आज के टाइम पे करना है ही जरूरी है इमरजेंसी में जरूरी है और इन सब चीजों का सोल्यूशन बहुत आसान भी है ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल अंग्रेजी के दो चार कठिन शब्द बोल, बोल के कोई भी ठीक तो नहीं हुआ ना आपको दो चार शब्द बता दो टी थ्री टी फोर टीएस ट्राईहाइड्रोथायरोनिन टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और थायराइड रिलीजिंग टी एस एच थायराइड रिलीजिंग हॉर्मोन था हॉर्मोन का कोई लेना देना नहीं है थायराइड से तबकि टीएसएच में ही प्रॉब्लम है नाइन्टी परसेंट लोगों को थायराइड है ही नहीं मगर क्या है वो नहीं मानू तो कुछ भी बोलो नाइंटी परसेंट से ज्यादा नाइनटी फाइव बोलूंगा मैं एग्जैक्ट टू बी मोर क्लोजर टू द रियल नंबर नाइनटी फाइव परसेंट लोगों को थायर मगर आप शायद बॉन्ड भर के आए थे ना जब पैदा हुआ था आपने भगवान के साथ में बॉन्ड भरा था फिरंगियों को अपने जेब का गाड़ी कमाई दोगे ऐसा बॉन्ड भर के आए थे आप पक्का सभी भर के आए थे नहीं तो ऐसा करता कौन है ऐसी मूर्खता करता कौन है मगर लाइफ अगर आपकी अच्छी करनी है तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा तो आपके शरीर को एम्पावर करना पड़ेगा टॉर्चर नहीं उसका एम्पावरमेंट चाहिए uh, नीलमा जी जस्ट फॉर लॉन्ग सॉरी सॉरी अनम्यूट एंड टेल

सिर में बस टचवुट एक सिर ही नहीं दुखता बाकी सभी कुछ में कभी ना कुछ रहता है एक सर में दर्द नहीं है। अभी तक हुआ बस बाकी सब कुछ दर्द हो जाता है और एक उसके... होती है तो दूसरी हो जाती है उसके तो ऑलमोस्ट इन... तो एक साल से कभी सर्वाइकल शुरू होता है पेन तो वो ठीक होता है तो बैक लोअर बैक हो जाती है लोअर बैक ठीक हुआ तो फ्रोजन शोल्डर हो गया मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है नॉन स्टॉप और लेते रहते हैं वो उससे ठीक है बिल्कुल और वो मतलब लेवल्स नॉर्मल आते हैं लेकिन ये जो इश्यूज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं देखिए थकान इतनी मोटिवेशन नहीं रहती है बिल्कुल भी मन कर रहा है कुछ करने का लेकिन होता ही नहीं दैट इज द प्रॉब्लम देखिए एक तो सबसे पहले आपके शरीर का डिटॉक्स फैक्टर वीक है आपके शरीर में कोई चीज आती है निकलती नहीं है जल्दी से <laughs> आपके माइंड में भी कोई चीज आती है फिर निकलती नहीं है जल्दी से तो वो फैक्टर इसे हम कहते हैं व्यान शक्ति शरीर की व्यान शक्ति यानी कि अपने को रिलैक्स करने की क्षमता छोड़ने की क्षमता वो बहुत कम है तो क्या होगा शरीर में कोई चीज जब अटकेगी टॉक्सिन फंस जाते हैं तो आईटिस इंफ्लमेशन बढ़ता है तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके आर्थराइटिस बोल देते हैं इसको मगर बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि शरीर में रिलैक्सेशन फैक्टर या डिटॉक्स फैक्टर वो वीक है इसे व्यान कहते हैं इसका फॉर्मूला कैसे हम देख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकली करके देखो तो क्या चीज वीक है आपका एग्जलेशन की स्ट्रेंथ बहुत वीक है यानी कि अगर इसको एक सिंपल रेशियो से हम देखें वन इज टू फोर इस टू टू यानी आप अगर पांच सेकेंड का इन्हलेशन करते हैं तो बीस सेकेंड होल्ड करके क्या दस सेकेंड का एग्जलेशन बिना तकलीफ के कर सकते हैं वो वीक है आपके अंदर यानी शन की स्ट्रेंथ वीक है इसे कहते हैं व्यान शक्ति वीक है और यही चीज शरीर के अंदर इन टर्म्स ऑफ तकलीफ दिखाई देगा जब तक देखिए एक एक चीज तो हम सब जानते हैं कि अगर आपके अंदर जब तक कि यू आर नॉट एबल टू ड्रॉप योर सेल्फ यू नॉट बी एबल टू इवन स्लीप अगर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है आपके आप कहे लगाते हैं ना जब लेटते हैं तो अलग करवटें बदलते हैं क्यों बदलते हैं क्योंकि एक जगह मिल जाए जहां छोड़ जा दें अपने आप को लेकिन शरीर की एक्टिविटी में अगर वो रिलैक्सेशन फैक्टर वो रिदम नहीं है या वो स्ट्रेंथ नहीं है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर अंदर से कुछ चीज ठीक नहीं है तो आपका शरीर ज्यादा पकड़ता है अपने आप को अगर खतरा होगा तो आप भी तो यही काम करेंगे अगर बस में ट्रेवल कर रहे हैं स्मूथ रोड है तो आप हाथ छोड़ देंगे और अगर उबल खावट जगह आ गई तो पोल को पकड़ लोगे कसके पकड़ लोगे कुछ तो पकड़ लोगे कसके जब भी खतरा होता है तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं जब भी खतरा होता है पकड़ने की करता। ऐसे लोग कई लोगों में आजकल इंसॉमिया के एपिसोड तो बहुत बढ़ रहे तो डिटॉक्स फैक्टर अगर शरीर का खराब है तो ज्वाइंट पे ज्यादातर क्या होता है कि जो जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक मूवमेंट लिम्फ सेलुलर वेस्ट सेल्स के बाहर गैप्स uh, में जमा होते हैं जिनको लिम्फ नोड कहा जाता है सारे आपके जॉइंट्स जो है ना वो लिम्फ नोड्स हैं। वहां पे अगर टॉक्सिन्स होंगे इन्फ्लॉमेशन होगा तो आईटिस जॉइंट पेन ये एक कॉमन चीज है जो आज के टाइम पे बहुत बढ़ रहा है तो ऐसे में डिटॉक्स स्ट्रेंथ शरीर का जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए अगर वो नहीं है तो उसको बढ़ा देंगे तो शरीर में आराम आ जाएगा वरना तो नहीं आएगा क्योंकि तो नंबर मैनिपुलेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो ना आपने टी फोर खा लिया आपने टी फोर आप बेसिकली खाते क्या हो जो आप थायरोक्सिन खा रहे हो या थानाम खा रहे हो जो गोली खा रहे हो वो क्या है वो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन है जो लिवर में जाके टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना वो टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है तो अब आपके नंबर्स को तो हम मैनेज कर सकते हैं हार्मोन नहीं है तो बाहर से हार्मोन डाल दिया टेस्ट किया देखो हार्मोन ठीक हो गए मगर आपके शरीर ने तो नहीं बनाया वो आपके शरीर ने तो नहीं बनाया वो तो बाहर से कोई भी चीज लेके अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो धोखेदार है ये तो। ये तो तो धोखेबादी है सरासर धोखेबाजी आपके शरीर ने तो नहीं प्रोड्यूस किया ना वो उससे तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं ना शरीर के साथ में धोखा कितना कर पाएंगे ये बताइए कितना करेंगे कुछ समय तो हो सकता है शरीर भी धोखा खा जाए कुछ समय के लिए लेकिन फिर मान जाएगा कहेगा नहीं यार तो गड़बड़ हो रही है कुछ होता है ना आप एक की दवाई खाते हो तो हमेशा तो हमेशा काम नहीं करता ना शरीर भी समझने लग जाता है कहता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है फिर वो वो रिजल्ट नहीं मिलता आप डोजेज बढ़ा देते तो डॉक्टर ब्रांड बदल देता तो धोखेबाजी ज्यादा टाइम चलती नहीं ठीक है ना अच्छा एक और चीज कोलेस्ट्रॉल किसी के बॉडी में अगर बढ़ रहा है ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है फैटी लीवर या लिवर कॉम्प्रोमाइज है लीवर का कॉम्प्रोमाइज एक रीजन है थायराइड बढ़ने का और वन ऑफ द मेजर रीजन है थायराइड बढ़ने का क्योंकि बेसिकली आपका बॉडी में जो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन है, है टी वो टी में लिवर में ही कन्वर्ट होगा तो लिवर को अगर आप बॉम्बिंग करो बचपन से दवाइयां खाओ केमिकल दवाइयां खाओ तो कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही लिवर और लिवर कॉम्प्रोमाइज होने के कारण बाकी चीजें भी आती है उसको बचाने के लिए आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कल्प्रिट नहीं है अच्छा है अगर नहीं बढ़ेगा जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड उसका शरीर क्रैश कर जाएगा अगर लिवर फैटी नहीं होगा तो लिवर सिरोक्सिस होने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा फैटी लीवर करके लीवर सिरोसिस से आपका शरीर बचाता है योर बॉडी डजेंट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ इट सेल्फ वी डू एवरीथिंग रॉन्ग विथ आवर बॉडी तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कल्प्रेट नहीं है फैटी हो जाना लिवर का कल्प्रेट वो तो बेचारा बचा रहा है अपने। रीजन क्या है जिसकी वजह से वो हो रहा है वो अगर ठीक करेंगे तो ये आराम से ठीक हो जाएंगे हमारे पास में बहुत सारे प्रूफ है इस बात के ठीक है ना एलोपैथी के पास में एक भी प्रूफ नहीं है कि उसने कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक किया है हमारे पास में बहुत प्रूफ है इवन जेनेटिक जो डिविएशन है ना वो भी कुंभक से ही ठीक होता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक से ठीक होता है इसके लैब रिपोर्ट है हमारे पास में तो आपके अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाए ये ही ठीक करेगा तो इसी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कीजिए इसकी इम्यूनिटी इंप्रूव कीजिए इसमें जो वीकनेसेस हैं उसको ठीक कीजिए इसको एम्पावर करेंगे आप आराम से अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे जिसको आज आप एक टर्म्स में थायराइड बोल रहे हैं मगर उस वजह से आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी ठीक हो जाएगी इफ यू एम्पावर योर बॉडी एंड दैट इज वॉट यू कैन डू थ्रू कुंभक कुंभक से वो आप अपने शरीर को एम्पावर कर सकते आउट ऑफ एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स स्क्लेरोडर्मा जिसे आप कह रहे हैं या इस तरीके की रिमिटाइड कह सकते हैं है ना तो इस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप बोल सकते हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इवन थायराइड thyroid में थायराइडाइटिस हो गया या थायराइड की कुछ कंडीशन ऑटो इम्यून बोलते हैं आशी, ग्रेस। तो बोलते हैं हाँ ग्रेस ये बोलते हैं या फिर पीसीओएस कंडीशन आ गई पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम हो गया ठीक है ना उसको भी ऑटो इम्यून कंडीशन में डालते हैं और इतने ही नहीं है कई डायबिटिक कंडीशन भी ऑटो इम्यून कंडीशन में आ सकते हैं सारे क्रॉनिक डिजीज धीरे धीरे करके ओवर नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर यूल सी मेजोरिटी ऑफ क्रॉनिक डिजीज विल शिफ्ट टू ऑटो इम्यून डिस अच्छा कमाल की बात है सिंड्रोम का मतलब क्या होता है हमें नहीं मालूम सिंड्रोम का ना लिटरल मीनिंग है हमें नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है ठीक है ऑटो इम्यून सिंड्रोम का मतलब क्या है सिंड्रोम क्यों डाला है वहां पे क्योंकि जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम ये क्यों हुआ आपको मालूम है थायराइड क्यों होता है? आपके डॉक्टर को मालूम है थायराइड क्यों होता है? अरे किसी को नहीं मालूम है शायद आपको ज्यादा ज्ञान है कि थायराइड क्यों होता है मगर आपके डॉक्टर को या साइंटिस्टों को नहीं मालूम कि थो होता डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं हार्ट डिजीज क्यों होता है पता नहीं कैंसर क्यों होता है पता नहीं और जिनको पता नहीं वो सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में कभी सोचा आपने ये जितने एलोपैथिक डॉक्टर हॉस्पिटल दुनिया में फैले पड़े हैं इनको मालूम ही नहीं एक भी क्रॉनिक डिजीज के बारे में और ट्रीटमेंट कौन कर रहे हैं इन बीमारियों का वही कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं कि ये क्यों होता आपको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या जिनको मालूम ही नहीं कि ये क्यों होता है वो अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता ये तो क्वेक ही हो गया ना हमारे तो टोने टोटके भी इनसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं हमारे तो टोने टोटके भी अच्छे काम करते हैं कम से कम म्यूटेंट नहीं बनाते वो लोगों को

अपना रिस्पॉन्स नहीं इम्यून रिस्पॉन्स नहीं किया होगा योर शरीर योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इनटेक राइट और रॉन्ग आपका शरीर केमिकल लेने के लिए डिजाइंड नहीं बना नहीं हुआ है। नहीं तो आपके पेड़ों पे केमिकल की दवाइयां और ये इंजेक्शन लटके होते तोड़ तोड़ के लगा रहे होते आप अपने आप को इफ योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इनटेक इफ यू पुट केमिकल इनसाइड द बॉडी द बॉडी विल रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द इम्यूनिटी येस और नो अगर ये बार बार आप करें तो बार बार इम्यूनिटी बढ़ेगी ना इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूं आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों क्रिएट किया वेन दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इनटेक वाई इंसेसेंटली यूआर पुटिंग केमिकल इन साइडेड क्या कॉमन सेंस भी खत्म हो गया हां जी कॉमन सेंस भी खत्म हो गया ये फिरंगी इतने ही मूर्ख होते हैं तो अगर मैं कह रहा हूं फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है तो क्या मैं गलत कह रहा हूं कौन अपने को बर्बाद करता है ये बताओ अपने पांव पे कुलाड़ी कौन मारता देर इज नो साइंस इन इट बट यू आर कॉलिंग इट साइंस कम ऑन इसको साइंस बोल सकते हो आप मगर आप साइंस बोलते हो उसको तो ऑटो इमिन डिजॉर्डर क्यों क्रिएट किया ये बताइए ना क्यों ऐसी चीज डाल रहे हैं अपने शरीर में जिसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते मगर जब अपने शरीर को इस्तेमाल करना होता तो कॉमन सेंस कहां गया तो ऑटो इम्य डिजॉर्डर नहीं होगा ये शरीर बचाएगा भी नहीं अपने आप को और फिर स्टेरॉइड खा के उसको भी क्रैश कर देंगे एक बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो उसका मुंह में कपड़ा ठूस दो मुंह बंद कर दो हाथ पांव बांध दो और किसी वॉशरूम में जाकर उसको बंद कर दो इसको आप साइंस बोलते हो अरे वो मर जाएगा बच्चा ये शरीर मर रहा है बहुत सीरियस सिचुएशन है आप लोग भारतीय हो आप लोग समझदार हो अपनी आंखें खोल एजुकेशन से ना लोग मूर्ख बनते हैं बस और कुछ नहीं होता हार्वर्ड का रिसर्च है एजुकेशन से इंटेलिजेंस कम हो जाता है एट द कॉस्ट ऑफ वॉट वी आर डूइंग थिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ आर टेक हुपॉन्सिबिलिटी आप बताइए ऑटोमिक बोल दिया ठीक तो होगा नहीं नामकरण कर दिया जी एट द कॉस्ट ऑफ वॉट हुसिबिलिटी आपके साथ में कल को कुछ क्रैश होता क्योंकि देखो भाई अगर आपके शरीर में कामकाज नहीं होगा तो आपका हार्ट लोड लेगा लोड लेगा तो बेडी कार्डिया, टैकी कार्डिया, कोलैप्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डॉक्टर नो गवर्नमेंट नो डब्ल्यू एच ओ नो अमरीका नो बडी विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इवन योर फैमिली मेंबर्स वो चाहेंगे भी तो भी नहीं ले पाएंगे कोई भी आपको एक सेकंड की बीच का भी एक्स्ट्रा जीवन नहीं दे सकता और अगर ये हिम्मत किसी में है तो आपके खुद के शरीर में है योर बॉडी इज नॉट अ क्रिमिनल डोंट टॉर्चर योर बॉडी बट यू आर अ ड्रग एडिक्ट तो ड्रग एडिक्ट का ड्रग तो एकदम से नहीं छोड़वाना चाहिए ना बेवड़े का दारू तो नहीं छोड़वा सकते ना एकदम से फर्स्ट एम्पावर योर बॉडी एंड द बॉडी विल बी एबल टू डू थिंग्स ऑन इट्स ओन देन यू विल नॉट नीड मेडिसिन

So maybe her TSH is high. She wants to know uh, क्या उन्हें और भी कुछ करने की जरूरत है। देखिए अगर अष्टांग जॉइन किया है तो कम से कम छह महीने अष्टांग करना पड़ेगा। उसके पहले कुछ भी और नहीं करना। छह महीने कम से कम अपने शरीर पे काम करो। उसके बाद देखते हैं। Once you finish six months, then we'll see. Uh, Motorola Moto G30 ma'am, you have a question? या तो टाइप कीजिए या पूछिए। Unmute करक जी स्वामी जी नमस्ते नमस्ते जी जी मेरी सेम प्रॉब्लम्स से नीलिमा जी जैसी है मुझे बारह साल से है हाइपोथरॉयड और पर मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वो मैंने आपको रिपोर्ट्स भी भेजी थी पूजा जी ने आपको शायद बात की होगी तो न, उसके लिए बताऊंगी मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है ऐसा है ना देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किन लोगों को होती है दो कारण है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के एक तो क्या होता है कि आपके शरीर में कोई चीज जब आगे नहीं जा रही होती तो वो पाचन पचने की जगह सड़ने लगती है ओके है ना दो दो चीजें होती है डाइजेशन फर्मेंटेशन ये दोनों अलग अलग चीज है डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए चीजों को एक जगह पे टिकना नहीं है बल्कि बहते रहना है तो नागवायु दोष थायराइड के मरीजों में बहुत ज्यादा होता है नागवायु दोष का मतलब होता है कोई चीज अटक रही है जैसे फैट रुक गया गैस रुक गई अटक गई है ना पानी पानी वाटर टेंशन अटक गया चल नहीं रहा मूव नहीं कर रहा तो ऐसे में क्या करेंगे ये थोड़ा सपोर्ट कर ले लेंगे हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको वैद्य का जो परामर्श है वो फ्री देते हैं तो उनसे लेके मैंने आपको बताया भी होगा कुडोरी एक सिद्ध मेडिसिन है जो कि नमक जो है ना नमक ये भेदक है शरीर में चीजों को फैलाने में मदद करता तो इसी का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कुडोरी वो चीजें आपके शरीर में डिपेंड करता है कि कितने जैसे किसी ने मुझे आज पूछा गर्मी झेल नहीं पाती शरीर एक्चुअली गर्मी नहीं है वो शरीर में मूवमेंट नहीं है तो कुछ भी डालेंगे वो मूव नहीं करता तो रिवर्स होता है एसिड रिफ्लक्स होता है कई लोगों आप खाएंगे एसिड ऊपर की तरफ चढ़ेगा क्योंकि तो क्योंकि नीचे नीचे मूव मूव नहीं नहीं कर समझ रहे कॉन्स्टिपेशन आ रहा है क्यों क्योंकि नीचे मूव नहीं कर रहा अब देखिए कॉमन सेंस वाली चीज है इसके लिए आपको ना ये ना सबके अंदर एम्बेडेड है आपको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी अच्छा जीवन के जीने के लिए जंगल में हर जानवर अच्छा जीवन जीता है ना वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा उसको कोई ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि सेंस लाइफ का सबके अंदर है ही आप लोग समझदार हैं ही लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि आप समझ अब क्या क्या करें इसमें तो बहुत कॉमन सी चीज है भेदक नमक आपको कॉन्स्टिपेशन मत रखो कॉन्स्टिपेशन ही आना चाहिए कॉन्स्टिपेशन अगर आता है तो कोई ना कोई चीज यूज कीजिए हम लोग बताते हैं हरित की यूज करो गुली का यूज करो जिसको बहुत क्रोनिक कॉन्सिपेशन है इच्छा वेदी रस तक जा, जा सकते हैं हम परामर्श से कुछ सपोर्टिव ले लीजिए दूसरा आ, मिट्टी से आप अलग हटेंगे तो आपका गट माइक्रोबाइटा ठीक नहीं रहेगा कुछ भी कर लो हमने अपने आप को मिट्टी से क्योंकि इंसान का शरीर मिट्टी से जुड़ा हुआ मिट्टी के कीटाणु और आपके गट के अंदर जो कीटाणु हैं, वो एक तरीके से एक जैसे हैं। पाचन में वो हेल्प करते हैं। तो जब हम दवाई खाते हैं तो वो कीटाणु मर जाते हैं वो बेचारे जो कि हमारी डाइजेशन में मदद कर रहे हैं तो सबका गट माइक्रोबाइटा खराब है केमिकल डालने की वजह से लीकी गट गट के ऊपर की लाइनिंग खराब हो जाती है फ्लो नहीं हो पा रहा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो ठीक से नहीं हो पा रही है तो ऐसे में होगा क्या डाइजेशन नहीं हो रहा तो फर्मेंटेशन ही होगा गैस कब बनेगी जब फर्मेंटेशन होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि फ्लो फैक्टर को बढ़ाने के लिए अपना कॉन्स्टिपेशन रिलीव करो कुछ ना कुछ ना रेगुलर बेसिस पे और शरीर पे कोई काम करेंगे तो 40 दिन तक मिनिमम काम करिए ये नहीं कि एक दिन लिया आपने फिर दूसरे दिन छोड़ दिया तीसरे दिन लिया फिर चार दिन छोड़ दिया ऐसा नहीं 40 दिन लगातार काम करो तब जाके इसमें कुछ स्टैब्लिश होगा तो गुनमकडोरी खाने के बाद में ले लीजिए अगर आपकी डाइजेशन बहुत वीक है त्रिकटु आधी चम्मच छोटी चम्मच त्रिकटु खाने से पहले ले लीजिए खाने के बाद में गुनमकडोरी ले लो रात को कॉन्स्टिपेशन रिलीव करके रखो अच्छा कुंभक का कोई भी ऑप्शन नहीं बाकी सब मैं ऑप्शन बता सकता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कुंभक वो नहीं छोड़ना नहीं नहीं जरा सी गर्मी आ गई शरीर में छोड़ दिया नहीं आराम से कीजिए कोई आपको अवार्ड नहीं जीतना ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीतना अपने शरीर के हिसाब से अपने कुंभक को उसी इंटेंसिटी के साथ में करिए आराम से करिए कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त में दुनिया में वो आपको करना ही पड़ेगा आराम से कीजिए जेंटली कीजिए मगर साथ में सपोर्टिव चीजें ले लें प्री बायोटिको प्रो, 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 प्रो अगर आप लेना चाहें तो वो ले लें मार्केट में मिल जाता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक उसको कुछ दिनों तक इस्तेमाल करके देख सकते हैं हमारे तो ट्रेडिशनल भोजन के अंदर ये सब बिल्डिंग था अचार जो था उसके अंदर बहुत प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होता अचार और घी का जो मेल है जो हमारे भोजन पुरातन भोजन में आता है वो इसीलिए था और अचार और घी ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सबको सूट कर सकता कुछ स्पेसिफिक जाना है तो आपको किसी वैद्य का परामर्श लेना पड़ेगा लेकिन एक कॉमन चीज है कि अपने भोजन में अगर आप अचार और घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके शरीर के अंदर चीज है भेदक है क्योंकि अचार भेदक है वो घी और इन्फ्लमेशन क्रिएट नहीं होने देगा घी तो आपके कामकाज शरीर के बहुत अच्छे रखते हैं जो जो समझ थी ना ट्रेडिशनल समझ थी भोजन की वो खत्म हो गई हमारे लिए। अब हर चीज को हम दवाई बना रहे हैं हर चीज की दवाई बना रहे हैं है ना फर्मेंटेड किसी टाइम पे साल के किस टाइम पे हमें फर्मेंटेड खाना है किस टाइम पे हमें नहीं खाना है ये समझ होती थी मौसम के हिसाब से क्या स्वाद खाना है अब हम बात करने लगे प्रोटीन विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट किसी ने भी प्रोटीन यहां पे नहीं देखा मगर बात प्रोटीन में करेंगे स्वाद सबको मालूम है उसमें बात नहीं करेंगे तो सब तो अंधविश्वासी बन गए साइंटिफिक अंधविश्वासी अंधविश्वासी बन के सोल्यूशन थोड़ी मिलता आपका शरीर बताता है अच्छा थायराइड की प्रॉब्लम जिन लोगों को भी है उनको मिर्च खाने का मन करेगा तीखा खाने का मन करेगा कफ बढ़ा हुआ है तो मगर नहीं खाएंगे क्योंकि किसी बाबा जी ने बोल दिया यूट्यूब में कि नहीं खाना जी सादा भोजन करो सबको भगवान के पास ही जाना है अरे जी तो लो पहले ठीक से आपका शरीर अगर डिमांड कर रहा है किसी चीज की उसको दो तो सही इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं जो आपका शरीर डिमांड कर रहा है उसको नहीं दोगे तो बीमारी हो जाएगी शरीर में ठीक है आयुर्वेद का नियम मगर सबसे पहला नियम आयुर्वेद का क्या है यथा बलम तथा निदान आपके शरीर का जितना बल होगा उतना ही भोजन भी पचेगा उतना ही शरीर अपने आप को ठीक भी करेगा तो महादेव और पार्वती का संवाद है जिसमें पार्वती महादेव से पूछती है किम बलम सर्व बलम कौन सा बल इस पूरी जगत का बल है जीवित जगत का और महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्व बलम तो कुंभक का कोई ऑप्शन में दुनिया का बल कमजोर हो गया है कुंभक हार्ट अटैक से बचना है कुंभक करना पड़ेगा डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए थायराइड के कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए कुंभक करना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कुंभक उसको आप पकड़ के रखिए मगर ऐसा मत पकड़िए कि आपको लगे कि अरे मुझे नुकसान होगा क्योंकि कुंभक बहुत पावरफुल चीज है तो उसको अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से मैनेज कीजिए मगर साथ में थोड़ा वैद्य को भी रोटी खिला दो है ना एलोपैथिक डॉक्टर को ही सारा पैसा देना है तो वैद्य भी रोटी खाता बेचारा वो भी भोजन करता उसको भी थोड़ा पैसा दे दो है कि नहीं है उसको भी थोड़ा संभाल लीजिए समाज जिस चीज में इन्वेस्ट करता है वो चीज बढ़ती है हमने डिजीज में इन्वेस्ट किया डिजीज बढ़ गई हेल्थ में इन्वेस्ट करो हेल्थ बढ़ जाएगा थैंक यू स्वामी जी फॉर टेकिंग टाइम टू आंसर मेनी क्वेश्चन आर है